अज यूनिवर्सिटी के बीजेपी ते जेजेपी के जिहड़े सहायक दल है घटक दल है उन्होंने नुमाइंदे अज यूनिवर्सिटी के शिक्षण शिविर लाया होया सी उन्होंने आदित्य चौटाला सी सुनीता दुग्गल सी होर इन्हां दे कोई नुमाइंदे होणगे तां साथियों उत्थे साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया जदों साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया तां बहुत सारे साथियों नूं अरैसट करके कुछ साथियों नूं रोड़ी लैके गए सानू लगभग 30 तों 35 साथी जिहड़े सीगे उन्हां नूं कागदाना चौंकी दे विच लै जाया गया। उस तों बाद जदों असीं वापसी आए हाँ तां साथियों ने रोड जाम कर रखे सी, बाबदी टोल भी जाम सी, खुईयां मलकाना टोल भी जाम सी, तो अपना जिहड़ा हुड्डा चौंक है जिहनूं आपां घोड़ा चौंक कहिंदे आ उत्थे साथियों ने जाम लाया। जदों असीं उत्थे पहुँचे तो सानूं कुछ साथियों तों पता लग्गिया भी चार साथी साडे जिहड़े आ पुलिस ने अरैसट कर रखे है ते उन्हां नूं छड्डिया नहीं जा रहा ते पुलिस उन्होंने FIR दर्जन की कोशिश कर रही है भी उन्होंने गड्डिया के शीशे टुट गए, ये हो गया वो हो गया। जो उन्होंने गड्डिया के शीशे टुटे है तो उन्होंने गलतियां तो टुटे ने ना। जो पुलिस ने प्रशासन ने अज मैं ये गल कहूँगा पुलिस प्रशासन ने किसान साथियों को हाइपर किया जान बुझ के, क्योंकि अज तो कुछ दिन पहला एक मामला उठा सी जो साढ़े को मामला आया सी भी यूनिवर्सिटी के किसानी झंडे ला के कोई मोटरसाइकिल गड्डी कार जीप जी स्टूडेंटा की वो नहीं जान दिती जा रही, तो उदों जो VC है जो सा मैं ये गल कहूँगा वो भी सानू ये पता लगे भी JJP का बहुत व्डा पट्ठा है। वो उन्हें सानू ये गल कही सीगी भी मैं किसी की भी गड्डी अंदर नहीं जान देंगा, ना किसी पार्टी का झंडा जान देंगा तो ना ही मैं किसी किसानी का झंडा जान देंगा, मैं इनू राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना। तो अज देखो उन्होंने एक राजनीतिक अखाड़ा बनाता उत्थे ते साड़ी हुण मौके ते इत्थे प्रोटेस्ट करन दा यही जिहड़ा साडा तरीका चल रहा है। प्रोटेस्ट का मकसद ये है भी जिहड़े साथी साढ़े चार फड़े हुए है उन्हां नूं ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਾਮ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਦੀਨ ਟੋਲ ਹੈ, ਖੁਈਆਂ ਮਲਕਾਣਾ ਟੋਲ ਹੈ, ਪੰਜੂਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਡ ਜਾਮ